अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाहरुख सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लॉज टीवी। आज की जो हमारी वीडियो है वो कुछ अलग है क्योंकि आज हम अपने 1000 सब्सक्राइबर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह आपकी मोहब्बत थी, यह आपका प्यार था, यह आपका सपोर्ट था, यह आपकी हौसला अफजाई थी जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक डिफरेंट तरीका अडॉप्ट किया है, यानी हम अपनी तमाम वीडियोस को रिवाइंड करने वाले हैं, उन वीडियोस को जिनको आपने बहुत पसंद किया। तो आइए अपने सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा असलम अंकल की उस वीडियो से जो सबसे पहली वीडियो थी इसके चैनल पर, और उस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया, उसको व्यूज़ दिए, उसको सपोर्ट किया, उस पर कमेंट्स किए, उसको लाइक किया और उसको शेयर किया। तो आइए चलिए देखते हैं वो कौन सी वीडियो थी और वो किस डेट को आई थी पहली वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, आज हम इखलाकी हुकूक की बात करने की कोशिश करते हैं और ये यानी मोरल राइट्स ये क्या है। शरा में बनवजह इखलाकी इकदार से है माशरे के अफराद इखलाकी हुकूक का एहतराम डर से भी करते हैं। हमें अपने मोरल राइट्स का एंड मोरल ड्यूटीज को अदा करते रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो ये वो पहली वीडियो थी। एग्जैक्टली ये पहली नहीं थी, पहली वीडियो लॉ पर डिपेंड थी, व्हाट इज़ लॉ, बट ये वो वीडियो थी जिसने एक संग मील के तौर पे हमारा रोल प्ले किया और हमारे चैनल को एक नई बुलंदियों की तरफ जाने के लिए पहला स्टेपिंग स्टोन साबित हुई। इसके बाद वो वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा जो हमारे चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो थी और जिसने तकरीबन 3.1K से ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए, यानी 3000 से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा भी और उसको पसंद भी किया। आइए चलते हैं उस वीडियो की तरफ। ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम हमारा असलम परवेज, काम है वकालत। वीडियो बनाते हैं ताकि आम लोगों की अखलाकी कानूनी तालीम और तरबियत हो सके और अगर वक्त पड़े तो अपने मेंबर्स को अपने हमदर्दों की कानूनी भी मदद फराहम हम कर सकें। सामीन, अगर आप हमारे तमाम वीडियोस को, तमाम इल्मी काविशों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट लीगल राइट्स एक्टिविस्ट आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। जब आप इसको विज़िट करेंगे तो आपको ढेर सारी इंशाअल्लाह ताला इसमें इल्मी काम की चीज़ें मिलेंगी, मवाद मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला, जिसमें मुख्तलिफ इशूज़ पे, दीनी और दुनियावी इशूज़ के ऊपर हमने उसमें कलमकारी की है, कोशिश की है, मेहनत की है। यकीनन इंसान नामुकम्मल है लेकिन जहाँ तक अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है वो हमने उसमें कलमबंद किया है अपने वेबसाइट के ऊपर। उसको तफसील से आप देखिएगा, विज़िट कीजिएगा, आप इंशाअल्लाह ताला एंजॉय करेंगे। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं दूसरी शादी के लिए कानूनी शर्त रियासत पाकिस्तान में क्या है। कोई शर्त है या ऐसी जो जी जिसका जी चाहे दूसरी तीसरी चौथी कर ले? हाँ, शर्त है। दूसरी शादी के करने के लिए कानूनी शर्त यह है कि आप अपने पहली बीवी से दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी से इजाजत लेंगे फिर दूसरी शादी कर सकते हैं, वरना यह कानून शिकनी होगी। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत पहली बीवी से इजाजत के बगैर शादी करने वाले शख्स को या जो दूल्हा बना है उसको या शौहर को सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है और उसमें 1 महीना से लेकर 1 साल तक के जुर्माने सजा है, सजा बामुशक्कत अदर देन जुर्माना। जुर्माना भी है और सजा भी है। इन चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी शख्स दूसरी शादी करना चाहता है वो बीबी से परमिशन ले और काउंसिल से, मसालहती काउंसिल से जाकर इजाजत नामा हासिल करें।
इस्लामाबाद की अदालतें यानी हाई कोर्ट ने करार दिया है, एक ऑर्डर पास किया है कि दूसरी शादी के लिए शौहर पर बीवी की इजाज़त के साथ साथ इलाके की मसालहती कौंसिल से इजाज़त लेना भी लाजमी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अथर बिदल्लाह ने 12 सफहात पर मुश्तमिल एक फैसले में कहा है कि बीवी की इजाजत के बावजूद अगर मसालहती कौंसिल इजाजत देने से इनकार कर दे तो दूसरी शादी करने पर सजा होगी और जुर्माना अलग। मसालहती कौंसिल की जिम्मेदारियां क्या है, ये बात आपको और हमको सबको मालूम होना चाहिए। इसकी हम बाद में इंशाअल्लाह ताला करेंगे, अभी वक्त बहुत कम है, हम आपका वक्त नहीं लेना चाहते। फैमिली लॉज 1961 ऑर्डिनेंस के तहत मसालहती कौंसिल को कानूनी हैसियत हासिल है। सब्सक्राइब करके, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी ताकि हम और भी दिगर बहुत सारे इश्यूज पर, इल्मी इश्यूज पर, टेक्निकल इश्यूज पर, मामलाती इश्यूज पर, जो फी जमाना राइज कानून है उस इश्यू पे, जो आजकल मसले मसाइल हो रहे हैं उससे निकलने का तौर तरीका सलीका क्या है, कानून कैसे बताता है, अखलाकियात कैसे बताते हैं, ये सब कुछ इंशाल्लाह ताला आपको हमारी वीडियोस में मिलेगी। आप सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करते रहें। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपकी और हमारी हम सबों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह कोरोना वायरस से भी हमारे भाइयों को की हिफाजत फरमाए, हमारी भी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये वो वीडियो थी जिसने हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा व्यूज़ दिए, जिसको आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया। इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा लाइक्स आए, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, और इस वीडियो पर हमारी आपने बहुत हौसला अफज़ाई की, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। ये आप लोगों के ही सबब से हुआ है कि आज हमने 1000 सब्सक्राइबर्स को अचीव किया है। ये आपकी ही मोहब्बत थी, ये आपकी हौसला अफज़ाई थी, क्योंकि अगर आप तो हमें ना देखते, हमें सपोर्ट ना करते, हमें अपने मशवरों से ना नवाजते, तो शायद हम इतना आगे ना जा पाते। आइए अब मैं उस वीडियो की तरफ जाना चाहूँगा जो वीडियो मेरी सबसे पहली थी, यानी मोहम्मद शाहरुख सिद्दीकी की सबसे पहली वीडियो इस चैनल पर जब आई थी, तो उसको भी आप लोगों ने बहुत हौसला अफजाई से नवाजा था, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में पहली वीडियो थी जो मैंने किसी भी चैनल के लिए रिकॉर्ड करवाई थी, और उस पर भी 200+ व्यूज़ आए थे। तो उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ। तो आइए थोड़ा बहुत मेरी वीडियो को भी हम रिव्यू करते हैं। देखिए, यू आर वॉचिंग लॉयर्स टीवी। आई एम गोना टेल यू अबाउट एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस यस्टरडे इन कवाची इवनिंग। देयर वर अ डस्ट स्टॉर्म हिट कवाची एंड हिट कवाची बाय शॉक। आई थिंक आई शुड से दैट वर्ड बिकॉज नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग अ डस्ट स्टॉर्म टू हिट कवाची दैट इवनिंग। We all were so shocked after having such a strong winds around us. So it leads to power outages and infrastructural damages. Two died while several were injured. Walls collapsed due to strong winds in two separate areas. Yes. And two incidents at Gulistan Johar and Gulistan Mimar areas that was told by ED Foundation. In this around 45-year-old lady died while 60-year-old woman died in Sadi town. Block 5, according to Chipa Foundation. So please make sure you will stay safe and make all sort of precautionary measures if any of this sort of dusty storm hit in the near future, because it is predicted to again hit Karachi and rain is also predicted. So please make precautionary measures. I'm saying it to all Karachi residents. Assalamu alaikum. तो ये वो वीडियो थी जो मेरी सबसे पहले वीडियो थी किसी भी चैनल पर। आइए अब हम एक और वीडियो रिव्यू करते हैं जो हमारे इस चैनल के एक और बहुत अहम रुकन और इस चैनल के लिए धड़कन की हैसियत रखने वाले सैयद अब्दुल बासित इमाम या हसन की पहली वीडियो थी इस चैनल पर। तो उस वीडियो को हम रिव्यू करते हैं। उन्होंने भी शायद इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आइए हसन की पहली वीडियो को रिव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू।
आज रिसेंटली कराची में अचानक आने वाले तूफान से कराची के निजाम ने जिंदगी को दरहम बरहम करके रख दिया है। यहाँ पर बहुत से जानी और माली नुकसान हुए हैं और कई साइन बोर्ड उखड़ कर रह गए हैं और दरख्त भी उखड़ गए हैं। और कराची के इलाके भैंस सुजानी भैंस कॉलोनी में अचानक मवेशी में शॉर्ट सर्किट की वजह से कई भैंस झुलस कर रह गई, जिससे मवेशियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और हफ्ते मामूल जैसे ही तूफान हवा चली, उसके बाद कराची के लोड शेडिंग का बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कराची के कई इलाकों में बिजली गायब हो गई, जिससे लोगों को बहुत से मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक रहम करे, आमीन। तो ये वो वीडियो थी जो हसन की सबसे पहली वीडियो थी हमारे चैनल पर। इस चैनल के एक और बहुत अहम रुकन और हमारी टीम का एक सबसे अहम हिस्सा अली हाफिज़ अली साहब ने भी इस चैनल पर अपनी बहुत सारी वीडियोस से आपको महसूस भी किया, आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की, खासकर रिलीजियस वीडियोस पर। तो अली की सबसे पहली वीडियो या फिर सबसे जो मैं कहूँगा नॉमिनेटेड वीडियो है, वो आपके सामने प्ले करना चाह रहा हूँ। और वो वीडियो है कुरान मजीद की तिलावत की। आइए उस वीडियो को रिव्यू करते हैं और अपनी समातों को कुरान की तिलावत से मशहूर करते हैं। हाफिज़ अली साहब की वीडियो को रिव्यू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تو یہ تھی وہ ہماری ٹیم جس نے اس سال میں آپ کے لیے بہت ساری چیزیں لائیں، خواہ وہ پولیٹیکل ہوں، خواہ وہ ریلیجیس ہوں، خواہ وہ سوشل ہوں، خواہ وہ اکنامیکل یا پھر کسی بھی پاکستان کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں۔ اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے اسلم پرویز، اور انہوں نے اپنی کاوشوں سے ہمیں موٹیویٹ کیا کہ ہم بھی آپ کے لیے ویڈیوز بنائیں اور آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ نیا، کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو پیش کرتے رہیں۔ تو الحمدللہ آج وہ ٹارگیٹ اچیو ہوا، ہم نے ایک اچیومنٹ کو انلاک کیا، ایک سنگ میل عبور کیا 1000 سبسکرائبرز کا۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کی محبتیں رہیں گی، اسی طریقے سے آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے، اسی طریقے سے آپ ہمیں بیک کرتے رہیں گے، تو ہم اور ترقیاں کرتے رہیں گے۔ اور آج 1000 ہوئے ہیں، کل ملینز ہوں گے، پھر انشاءاللہ یہ چینل اسی طریقے سے پھلتا پھولتا رہے گا۔ تو ہمیشہ سبسکرائب، شیئر اور لائک کا جو میں بولتا ہوں آپ کو، وہ کرنا نہ بھولیں۔ اور اس چینل کو آپ کا سپورٹ ہمیشہ ہمیشہ چاہیے۔ پلیز لائف ٹی وی کو دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو بھی۔ السلام علیکم، اس محمد شاہ صدیقی سائننگ آف وتھ دیٹ ویڈیو۔ پلیز آئی ریویو آف لائف ٹی وی ڈیورنگ لاسٹ ایئر، ایک سال کے اندر لائف ٹی وی کا ریویو۔ السلام علیکم۔